पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले दो शूटर कत्ल के 24 दिन तक पंजाब में ही थे। इस बात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। 21 जून का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि शूटर मनप्रीत कस्सा उर्फ मन्नू और जगरूप रूपा सिद्धू की हत्या के 24 दिन के बाद तक पंजाब में घूम रहे थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पंजाब पुलिस भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी तक इस केस में जितने भी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं वो दिल्ली पुलिस ने की हैं। हालांकि मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के डीजीपी, जो कि अभी छुट्टी पर चल रहे हैं, वीके भावरा, उन्होंने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, लेकिन दबाव बढ़ता देख पुलिस कत्ल के अगले ही दिन एसआईटी का दायरा बढ़ाते हुए 6 सदस्यीय कर दिया था, जो कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के नेतृत्व में काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज 21 जून के मोगा के एक शहर की है। दोनों एक चोरी की बाइक पर नजर आए और तरन तारण की तरफ जाते दिखे। मूसेवाला केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस के पास इसकी जानकारी है, इसलिए अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत मन्नू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, उसके पास AK-47 थी और उसी ने मूसेवाला को गोली मारी थी। फरार शूटरों तक अभी तक दिल्ली और पंजाब पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से दोनों के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं। मूसेवाला केस में पकड़े गए शूटर प्रियव्रत फौजी और अंकित सरसा ने पुलिस को बताया था कि फरार आरोपी उनके साथ नहीं भागे। फौजी ने बताया कि वो पंजाब में अपने ठिकाने पर ही छिपे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पुलिस के हाथ ये फुटेज लगी। आपको बता दें कि मूसेवाला केस में जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू, दीपक मुंडी फरार चल रहे हैं। शूटरों की मदद करने के लिए अब तक 18 आरोपितों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में कई आरोपितों को पूछताछ के लिए जेलों से प्रोडक्शन वारंट पर भी लाया गया था। टीम BTF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BTF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।